देख रहे हैं सीएमएन न्यूज, मैं हूं आपके साथ कनिका। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ अहम खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जनपद के पीपलसाना में एक सभा का आयोजन किया गया। सभा को संबोधित करने पीपलसाना पहुंचे अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कुंवर बासिल अली के पीपलसाना पहुंचने पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष का फूल माला पहनाकर स्वागत किया। वहीं आपको बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष ने सभी का आभार व्यक्त किया। वहीं सभा को संबोधित करते हुए पार्टी की नीतियों से अवगत कराया और विपक्षी पार्टियों पर भी जमकर निशाना साधा। वहीं आपको बताते चले कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर 2022 में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करने की भी अपील की। उनको सुनने के लिए क्षेत्र के हजारों की तादाद में लोग वहाँ पहुँचे। पार्टी की तमाम योजनाएं हैं, पार्टी के जो अगले कार्यक्रम हैं, पार्टी की मेंबरशिप है, इसको करने के लिए आज हुआ है भव्य कार्यक्रम। बड़ी तादाद के अंदर अल्पसंख्यक समाज भारतीय जनता पार्टी जुड़ रहा है और मुझे उम्मीद है कि मैं सबसे पहले हमारे अध्यक्ष महानगर अध्यक्ष अजीम पाजा जी का शुक्रिया अदा करूंगा। उसके बाद मुजफ्फर प्रधान महानगर विधानसभा चुनाव नजदीक है, क्या कहना चाहते हैं आप? इस बार सबका साथ सबका विकास सबका और नगमा प्रवीण मंडल अध्यक्ष जैसा तरह उनका भी पार्टी में विश्वास करते हैं, बड़ी तादाद के अंदर भाजपा को वोट करें, फिर से जिताए, सरकार बनाए, यही आह्वान करने के लिए यहाँ पर आना हुआ। विधानसभा 27-25 साल से जो है बीजेपी की खाते में सीट नहीं आई है, क्या कहना चाहोगे इसमें? इस बार ये अल्पसंख्यक समाज की मदद से इस बार सीट हम जीतेंगे इंशाल्लाह। सरकार हमारी बनेगी, सीट भी हम जीतेंगे। पूरी दुनिया के अंदर महंगाई हुई है और हमारे देश के अंदर जो कोरोना काल बीता उसके अंदर जिस तरह से मोदी जी ने योगी जी ने सरकार अपने परिवार की तरह पूरे प्रदेश को संभाला है, अगर उसको देखें तो ये पूरी दुनिया ने उत्तर प्रदेश की सरकार की तारीफ की। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।